हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे टेली के अंदर आपको राउंड ऑफ की एरर कैसे सॉल्व करनी है। GSTR2 के अंदर GSTR2 में ज़्यादातर आपको ये ट्रांजैक्शन शो करने में प्रॉब्लम करेगा। बहुत सारे ट्रांजैक्शन में आपको मिसमैच एरर शो करेगा। ज़्यादातर हमें राउंड ऑफ की वजह से भी एरर्स आती है, क्योंकि हम लोग परचेस के अंदर और सेल्स के अंदर राउंड ऑफ सेट करते हैं, और राउंड ऑफ का जो हम लेजर क्रिएट करते हैं उसमें हम लोग प्रॉपर चेक नहीं करते कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हुए, क्या ऑप्शन यस रखा है, क्या ऑप्शन नो रखना चाहिए। तो उसके वजह से हमारा GSTR2 या GSTR1 में भी बहुत सारे एरर आने का चांसेस रहता है। तो वो एरर आपको प्रैक्टिकली सोल्व कैसे करना, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ में मैंने दो तीन ट्रांजेक्शन करके रखे हुए हैं जिसका इफेक्ट मुझे GSTR2 में शो नहीं कर रहा है, वो मैं आपको एक परचेस एंट्री शो कर रहा हूँ। ये जो मैंने एक पार्टी से परचेस किया हुआ है जिस पे ये जो -12.12 पैसा मैंने राउंड ऑफ दिया हुआ है, जैसे हम रेगुलर एंट्री करते हैं वैसे मैंने एंट्री पास किया हुआ है। SGST CGST सब कुछ कैलकुलेट बराबर आ रहा है। अब इसका इफेक्ट मुझे GSTR2 में आना चाहिए, इसके लिए मुझे डिस्प्ले स्ट्रक्चर रिपोर्ट GST 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 R2, यहाँ पे भी ये इनकम्प्लीट मिसमैच एरर शो कर रहा है। GSTR2 के अंदर भी मुझे ये इनकम्प्लीट मिसमैच शो कर रहा है। अंदर आपके आप चेक करोगे तो देख सकते हो। ये अभी आपको कंफ्यूज करेगा कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है। मैंने परचेस टैक्सेबल भी लिया है क्योंकि लोकल पार्टी है, इस पर मेरा CGST और SGST भी 99% है, बराबर है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तब ये एरर कहाँ पर है, एरर कैसे सोल्व करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अकाउंट में जाना है, लेजर में जाना है, जो भी आपने राउंड ऑफ का लेजर अल्टर में राउंड ऑफ का लेजर जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, GST यस करने का इनेबल करने के बाद जो भी हमारा लेजर क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें GST एप्लीकेबल यस ही रहता है, एप्लीकेबल ही रहता है, हम लोग उसको नॉट एप्लीकेबल नहीं करते। यहाँ पर भी आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो राउंड ऑफ है वो GST के बाद लगता है, तो इसमें हमें GST एप्लीकेबल नहीं रखना है, तो उसको आपको नॉट एप्लीकेबल करना होगा। इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू को भी नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। फिर आप अभी आप देख सकते हो डिस्प्ले स्ट्रक्चर रिपोर्ट GST GST R2, इसमें भी देख सकते हो कि ये भी आपका जो आपने परचेस का एंट्री किया था वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। और GST R3P में भी आप देख सकते हो एलिजिबल ITC में भी आपको ये परचेस का एंट्री यहाँ पे आपको शो करेगा। तो ज़्यादातर एरर मैंने देखा है मेरे कस्टमर के उधर, बहुत सारे कस्टमर में यही प्रॉब्लम आती है कि वो लोग जो भी ये लेजर वगैरह क्रिएट करते हैं जिस पे GST एप्लीकेबल नहीं है, GST एप्लीकेबल नहीं रखना चाहिए, तो उसके वजह से राउंड ऑफ की वजह से भी बहुत सारा एरर शो करता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे आपको राउंड ऑफ के लेजर के अंदर GST एप्लीकेबल नो कर देना है, तो आपको ये बहुत सारी एरर आपकी सॉल्व हो जाएगी। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है, और भी एरर्स वगैरह कुछ आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपको एरर सॉल्व करने के लिए हेल्प करूँगा। थैंक यू।